तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैंटीन स्मार्ट कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका CSD कार्ड होता है, CSD कैंटीन कार्ड, तो उसके लिए आप जो है कैसे अप्लाई करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये जो फॉर्म है, इस तरीके का फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और किस तरीके से आपको इसको फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट तो करते दोस्तों हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे ये जो है कैंटीन स्मार्ट कार्ड फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैंटीन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, सबसे पहली बात तो ये है। तो ये जो फॉर्म है दोस्तों आपको आपके यूनिट रन कैंटीन से मिल जाएगा। इस फॉर्म के लिए जो है आपको 150 रुपये देने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। ये फॉर्म आप लेने के बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। सबसे मेन बात यही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे और किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है, इसके बाद में हम आपको फिल करना बताएंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है ऑल फोटोग्राफ्स टू बी अटेस्टेड बाय द गस्टेड ऑफिसर। तो जितने भी फोटोग्राफ हमारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोटोग्राफ हमारा लगा हुआ है, ये भी जो है फोटोग्राफ हमारा गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये तो हो गई फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ओनली हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ। तो आपको जो फोटोग्राफ है जो आप फॉर्म में चिपकाएंगे वो अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ होना चाहिए। सेकंड आता है वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसमें जो है स्टेपल करके आपको रख देना है। अगर आप जॉइंट फोटो है हस्बैंड वाइफ का है तो हस्बैंड वाइफ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्म में, हस्बैंड वाइफ अगर आप दोनों का नाम कैंटीन कार्ड में चाहते हैं तो इस तरीके का जॉइंट फोटो होना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल। आपको एक फोटो यहाँ चिपकाना है और एक फोटो आपको यहाँ पे स्टेपल से लगा देना है। तो अब आता है सेकंड पॉइंट, आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ थर्ड लिखा हुआ है वन पासपोर्ट साइज फोटो का जो है आपको इसमें चिपका देना है और एक अलग से स्टेपल करके रख देना है। और सबसे मेन बात है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूज ब्लैक पेन जो है ओनली। तो ये जो हमको ओनली ब्लैक पेन से ही करना है, ब्लैक पेन से ही जो पूरा फॉर्म हमको फिल करना है, कैपिटल लेटर में ब्लॉक लेटर में ही हमको जो फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मोड ऑफ पेमेंट जो दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे जो है 150 रुपये लगता है। अभी इसमें लिखा हुआ है 130 रुपये, अब जो है 150 रुपये लगता है फॉर्म जमा करने का। तो आप जो है 150 रुपये दे के ये फॉर्म आपको जमा करना होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कैंटीन स्मार्ट कार्ड विल बी इशू ओनली द एप्लीकेशन इन द पर्सन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेने हैं उसके बाद ही जो फॉर्म फिल करना है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। दोस्तों सबसे फर्स्ट तो है इसमें जो है आपका पैन कार्ड लगेगा, इसके बाद आपका जो PPO होता है PPO का फोटोकॉपी लगेगा, पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा और आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपके मेन डॉक्यूमेंट हैं जो आपको इसमें लगेंगे। तो अब मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो को कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, अगर कहीं भी मिस्टेक होगी तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा भी जो है वेस्ट चला जाएगा, बर्बाद चला जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, अगर आप हस्बैंड वाइफ जॉइंट बनवाना चाह रहे हैं कार्ड, दोनों का नाम चाह रहे हैं, तो इस तरीके का जॉइंट फोटो आपको लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप यहाँ पे जो सिंगल आप अपना नाम चाह रहे हैं तो आपको सिंगल फोटो लगाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ लगाना होगा। एक फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा देना है और एक फ़ोटो यहाँ पे स्टेपल कर देना है। और ये जो फोटोग्राफ है ये अटेस्टेड होना चाहिए और आपके जितने फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड और PPO, वो भी जो है गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। जो कि आपको आपके JCO वगैरह होते हैं या फिर लेफ्टिनेंट वगैरह होते हैं, वो भी गस्टेड ऑफिसर ए क्लास में आते हैं तो वो भी अटेस्टेड कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो हमारे चार्जमैन वगैरह होते हैं वो भी जो है ये कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक सिग्नेचर आपको कर देना है। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है साइन एप्लीकेंट, तो आपको यहाँ पे साइन कर देना है, आपका जो साइन है आपको साइन कर देना है और फोटो यहाँ चिपका देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ फॉर URC यूज ओनली, तो ये आपको फिल नहीं करना है, ये सिर्फ कैंटीन वाले ही फिल करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ सर्विसेज, तो आप किस जगह जो है सर्विस करते थे, नेवी में थे, आर्मी में थे या एयरफोर्स में थे या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, तो आपको यहाँ से टिक कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ, तो ये आपका जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे पैन कार्ड से देख के डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड का नंबर है तो आपको आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है। सब जो है ब्लैक पेन से ही फिल करना है और कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिटायरमेंट फॉर ब्रांच, तो आप किस जगह से जो है रिटायर हुए हैं, तो आप जैसे मान लीजिए आर्मी में थे, आर्मी में कौन सी यूनिट में थे, कौन से रेजिमेंट में थे, या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किस फैक्ट्री में थे, तो आपको यहाँ पे उसका नाम डाल देना है।
इसके बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये भी जो है डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है आपके पीपीओ में आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये भी आपको जो है डेट ऑफ रिटायरमेंट भी यहाँ पे एंटर कर देना है, डाल देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ आधार कार्ड नंबर, तो आपको आपका यहाँ पे जो है आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आपके पास ओल्ड ग्रोसरी कार्ड था तो आप यहाँ पे उसका नंबर डाल सकते हैं, अगर न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये नहीं भरना है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ पीपीओ नंबर और डेट, तो आपका जो पीपीओ नंबर है आपको यहाँ पे पीपीओ नंबर डाल देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ फुल नेम, जो आपके पीपीओ में जो नाम लिखा है सेम नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, ब्लैक पेन से ही फॉर्म फिल करना है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं डेजिनेशन, तो आप किस पोस्ट पे थे आपको वो यहाँ पे डाल देना है, जेसीओ थे या फिर आप सिपाही थे या हवलदार थे, इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको फिल नहीं करना है, आप यहाँ नीचे की तरफ आ जाएंगे, लिखा हुआ जेंडर मेल है फीमेल है मैरिड अनमैरिड, आपको ये भी टिक कर लेना है। इसके बाद आता है सपोज नेम, जैसे कि मैंने बताया आप हस्बैंड वाइफ अगर जॉइंट बना रहे हैं तो आप अपने यहाँ वाइफ का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेंट नंबर में यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे डाल देना है, तो मोबाइल नंबर वही डालना है दोस्तों जो आपका चालू हो, क्योंकि जब आपका कैंटीन कार्ड बन जाएगा तो आपको इसी नंबर पे आपको मैसेज आएगा कि आपका कैंटीन कार्ड बन गया है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ एप्लीकेंट फादर नेम, जो एप्लीकेंट है उनके यहाँ पे फादर का नेम डालना है, जो सर्विस में थे उनके जो पिताजी हैं उनका नाम यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा है रिसिप्ट, तो ये जो है आप जब फॉर्म भर के जमा कर देंगे, आप अपना 150 रुपये जहाँ पर जमा कर देंगे तो यहाँ वो जो है कैंटीन वाले जब इसको भरेंगे आपको फिल नहीं करना है, तो यहाँ पे जो है ये आपको जब आपका आप फॉर्म जमा कर देंगे उसके बाद ये जो है आपको इतनी स्लिप आपको काट के दे दी जाएगी। अब इस फॉर्म को जो हम पीछे पलटा लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो आपका जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस है आपको डाल देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, तो आपको आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर डाल देना है जिस पे आपका मैसेज आएगा कि आपका कार्ड बन गया है, और मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका चालू हो। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है। और सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका स्टेट है स्टेट में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पे डाल देना है और डेट डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं काउंटर साइन लिखा हुआ, तो ये आपको नहीं फिल करना है, ये जो है कैंटीन वाले ही जो है यहाँ पे कैंटीन मैनेजमेंट ही यहाँ पे जो है सील साइन करके इसको रख करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ में आपको कुछ भी डिटेल फिल नहीं करनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो फॉर्म आप फिल कर लेंगे तो इसको ले जाके आपको जो है कैंटीन मैनेजमेंट के पास जो है कैंटीन में जाके आपको जमा कर देना है, तो ये जो स्लिप है आपको मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया पैन कार्ड आधार कार्ड और जो आपका अटेस्टेड होना चाहिए तीनों चीज़ें, और आपका फ़ोटो जो है एक फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा देना है और एक फ़ोटो आपका यहाँ पे जो चिपका रहेगा वो भी अटेस्टेड होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है कैंटीन कार्ड का फॉर्म जो है जमा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।